ये है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल। और ये जो कलर कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, पहले इसका नाम डिजर्ट सैंड होता था, बट अब इसका नाम है कमांडो सैंड। अब कमांडो सैंड इसलिए है क्योंकि आप थीम देखिए पूरी बाइक पे, एक तरीके से आर्मी वाला लुक आपको देखने को मिलेगा, कमांडो जैसा थीम इसमें आ रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम कमांडो सैंड रखा गया है। कीमत भी कंपनी ने कमाल की बढ़ाई है, साथ ही साथ इसमें नए अपडेट्स भी ऐड किए हैं। नए नए जो अपडेट आए हैं वो काफ़ी काम के हैं। खैर, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और कीमत कितनी बढ़ी है। मैं शुरुआत कीमत से ही कर ले रहा हूँ। देखिए, ये जो कमांडो सैंड है इसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि है 216,000 रुपये, 216,000 रुपीज़ इसकी एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस मैं वीडियो का लास्ट में आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा अपडेट तो यहीं पे आप देख लीजिए, मेन हेडलाइट आपको एलईडी हो चुकी है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई यहाँ पे एलईडी लाइट आनी चाहिए, हैलोजन बल्ब से काम नहीं चलेगा, तो कंपनी ने इस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे एलईडी सेटअप आपको दे दिया है। तो अभी इसका उजाला आप एलईडी वाला जानते ही हैं, एलईडी का उजाला बहुत बेहतरीन माना जाता है। खैर, यहाँ पर देखिए जो आगे सस्पेंशन है, आपको वही पुराना वाला मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसमें 41mm का फॉर्क लगा हुआ है और 130mm का ट्रेवल लगा हुआ है। अगर हम इसके ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आगे वही 300mm का डिस्क मिलता है और साथ ही साथ इसमें डुअल ABS मिलता है। आगे और पीछे दोनों तरफ ABS की चैन लगी हुई है, तो ब्रेकिंग को लेकर कोई डाउट नहीं करना है। जो टायर है आगे वाला, ये आपको 100/90 100/90 का 19 इंच का ये ट्यूब वाला टायर आपको मिलता है, क्योंकि ये एक स्पोक व्हील है। अगर आप ट्यूबलेस टायर लेना चाहते हैं तो आप इसके एलॉय व्हील में जा सकते हैं, जिसकी टायर साइज एकदम सेम होगी। खैर, अब देखिए एक बड़ा अपडेट यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अब आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, यानी कि चाहे ब्रेक हो या तो फिर क्लच हो, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने पंजे के अकॉर्डिंग। और अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो सारे स्विचेस आपको सेम टू सेम पहले वाले ही मिलेंगे, यहाँ पर कोई बड़ी तब्दीली कंपनी ने नहीं करी है। अब यहाँ पर मेन मीटर कंसोल देखिए, मीटर कंसोल में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको ट्रिपर नेविगेशन की सुविधा भी मिलेगी। अब ट्रिपर नेविगेशन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप वो वाला लेते हैं ट्रिपर नेविगेशन वाला, तो आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर E20 का स्टिकर भी आपको मिल जाता है। तो मीटर कंसोल में जो पुराने अपडेट्स, पुरानी जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो सारी मिलती है, एक दो कंपनी ने ऐड ऑन किया हुआ है। फ्यूल टैंक देखिए, जो कि 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, और माइलेज तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, इसमें आपको 30 से 35 का माइलेज आराम से मिलता है। और बहुत से भाई लोग हैं जो क्लासिक 350 में 35 के ऊपर का माइलेज भी निकाल कर दिखाए हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने ढंग से जो है बाइक को चलाते हैं। क्या इंजन में कोई चेंज हुआ है? नहीं, इंजन में कोई चेंज नहीं है। 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड BS6 फेज 2 का इंजन कंपनी लगाकर देगी। 349cc का इंजन है, मैक्स पावर आपको 20 यानी कि 20 BHP की मिलेगी, और मैक्स टॉर्क आपको 27 यानी कि 27 Nm का मिलेगा। तो पावर और टॉर्क तो वही है जो पुराने वाले वेरियंट्स में देखने को मिलता था, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। खैर, इसमें 5 गियर सेटअप का आपको बॉक्स मिलता है, पाँचों गियर पर ठीक ठाक आप स्मूथ राइड फील करेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार एक गियर और मांगता, क्या बोलते हैं आप, मांगता कि नहीं मांगता बताइएगा कमेंट करके। खैर, यहाँ पर देखिए जो सीटिंग कंफर्ट है वो वही पुराना वाला है, इसको लेकर लोग लेह लद्दाख जाते हैं, क्योंकि क्लासिक 350 का सीटिंग कंफर्ट लंबी दूरी के लिए काफ़ी सही माना जाता है, लेकिन सिर्फ सिंगल राइड के लिए। जो पीछे बैठेंगे उनके लिए मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उनको तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखिए पीछे वाली प्रोफाइल पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए पीछे बैठने के लिए एक पतली सी सीट आपको मिलती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और पीछे से भी ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लग रही है इस बाइक की, नो डाउट। ये कलर कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है ये आपकी बारी है, आप कमेंट में जाकर हमें बताएं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट जो पहले डिजर्ट सैंड थी ना, वो जो एकदम प्लेन में आती थी डिजर्ट सैंड में, वो मुझे इससे बेहतर लगती थी। ये भी अच्छी लग रही है, नो डाउट। मैं इसीलिए आपसे जानना चाहूँगा कि आप कमेंट में हमें बताएं। यहाँ पर देखिए पीछे जो डिस्क लगा है, इसकी साइज़ 270/270mm की है, और पीछे भी ABS की चैन लगी हुई है। ब्लैक कलर में आपको पूरा एग्जॉस्ट मिलता है, साथ ही साथ और भी चीज़ें मैं बता दूं, पीछे जो सस्पेंशन है वो आपको ट्विन ट्यूब इमलेस शॉक अब्जॉर्बर विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन क्वालिटी आपको वही पुरानी वाली मिलेगी, कोई नई जो है तब्दीली कंपनी ने नहीं करी है। पीछे जो टायर लगा है वो 120/80 120/80 का 18 इंच का ट्यूब वाला टायर है, ठीक है।
चलिए सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब मैं ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। इसकी लंबाई 2145 mm है, सीट हाइट 805 mm है। तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वजन इसका 195 किलोग्राम के करीब इसका वजन है। तो हमें उम्मीद है कि आप पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया जो जो नए नए चेंज हुए हैं, जैसे कि ऑल न्यू LED हेडलाइट आ चुकी है, USB चार्जिंग पोर्ट आ चुका है, इसमें एडजस्टेबल लीवर्स आ चुके हैं, ट्रिपर नेविगेशन डिस्प्ले वाला आप टॉप मॉडल में उसको भी ले सकते हैं। आइए अब इसके ऑन रोड प्राइस पे जरा फोकस करते हैं। देखिए जो कमांडो सैंड कलर है 216,000 इसके एक्सोरूम प्राइस है, लेकिन ये ऑन रोड जाते जाते 250,000 से लेकर 270,000 2,50,000 to 2,70,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि ये प्राइस बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है, क्योंकि लेने के बाद ना आदमी ललची आ जाता है, सोचता है यार आगे वो लगवा लें पीछे वो लगवा लें, और सब कुछ रॉयल इनफील्ड का ही सोचता है लगवाने के लिए, और उनकी कीमत आसमान छूती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, मैंने एक बजट बताया है जिसमें आप अपना बजट निर्धारित कर लें, अपना बना लें। अदरवाइज अगर आप कोई भी अलग से एसेसरीज या कुछ भी चीज़ में लगवाते हैं तो फिर कीमत भड़ाक से बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये कलर कॉन्सेप्ट और कैसी लगी नई वाली ये क्लासिक 350, ये आप कमेंट में हमसे ज़रूर साझा करें। कल हम फिर से मिलेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना।